ऑल राइट, तो अभी मैं आके यहाँ पे बैठा हूँ। इस सीट को मैं हल्का सा पीछे करता हूँ ये पाँव वाले एरिया को, ताकि लेट के चेक करें जनाब कैसा फील आ रहा है। ऑल राइट, तो लेटने के बाद ओहो भाईजान, घर के जो गद्दे हैं उनसे नरम ये गद्दा है, कंफर्टेबली बैठा हूँ और दिल चाह रहा है कि भाईजान सो जाओ यहाँ पे, मजा आ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं द वेरी वेल नोन टोयोटा एल्फोर्ड हाइब्रिड का, और जिस जनरेशन का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का जो लेटेस्ट जनरेशन है उसका रिव्यू मैंने पहले किया हुआ है, ऊपर यहाँ पे लिंक चल रहा होगा, उसको क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। आप लोगों को बताते चलें कि सन 2002 में टोयोटा एल्फोर्ड की पहली जनरेशन लॉन्च हुई थी, जो कि 2008 तक चली थी। 2008 से लेके 2015 तक इसकी सेकेंड जनरेशन चली, और 2015 से लेके ऑनवर्ड्स जो थर्ड जनरेशन है वो अभी तक आ रही है। जिस एल्फोर्ड में मैं बैठा हूँ ये 2013 मॉडल है, 18 की इम्पोर्ट है, 18 का इसको नंबर लगा हुआ है, और इसकी डिमांड हम लोग कर रहे हैं 1,05,00,000 रुपये। अल अजीज मोटर्स जेलर लाहौर पर आके आप इसको मजीद देख सकते हैं। एक होते हैं मिडिल क्लास, फिर एक होती है अपर मिडिल क्लास, फिर होती है लोअर अपर क्लास, फिर होती है मिडिल अपर क्लास, और एक होती है अपर अपर क्लास। मेरे ज़ाती राय में एल्फोर्ड वही लोग लेते हैं जो मिडिल अपर क्लास या अपर अपर क्लास के लोग होते हैं, क्योंकि ये गाड़ी सन 2013 मॉडल है और इट इज़ अ 7-सीटर कार। इसमें आपको लग्जरी प्रोवाइड होती है, मगर इसका पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के लिहाज से, पाकिस्तानी सोसाइटी के लिहाज से उतना एक्स फैक्टर नहीं है जिसका कि जिससे जैसे किसी मर्सिडीज का होगा या प्राडो का होगा या किसी BMW का होगा, उनका एक्स फैक्टर देखने में वैसे ज़्यादा लगता है। तो अगर ये 13 मॉडल होके 1,01,10,00,000 की घूम रही है, तो जो फ्रेश इम्पोर्ट गाड़ियाँ हैं या फ्रेश इम्पोर्ट एल्फर्ड्स हैं तकरीबन 2.25 से 2.5 करोड़ के दरमियान घूम रही हैं। और कोई भी पाकिस्तानी बंदा जो अपर क्लास से ताल्लुक़ रखता है वो अगर 2.25 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहा है, तो वो एल्फर्ड का चुनाव शायद आटे में नमक के बराबर ही करे। तो एल्फर्ड लेता कौन है? एल्फर्ड जनाब वही लोग लेते हैं जो रजे होते हैं, जिनके पास एक आधी प्राडो, एक आधी कोई स्पोर्टेज, एक आधी कोई हाइब्रिड गाड़ी वैसी ही होती है, तो वो कहते हैं चल यार कभी मरी वगैरह जाना होता है चलो एल्फर्ड भी ले लें। क्योंकि एल्फर्ड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रेडीली अवेलेबल है। जब ये गाड़ी आज से 5-6 साल पहले आया करती थी, मैंने एक दफ़ा पहले भी इसको यूज़ किया हुआ है, मगर उस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो उस वक्त भी ये 50-60 लाख की आती थी, जिस टाइम पर आपकी सिविक वगैरह जो थी वो 25 लाख रुपए की मिल जाया करती थी, 22 लाख की मिल जाया करती थी। तो ये कार हमेशा एक लग्जरी सेगमेंट में हमेशा से महंगी रही है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी चाबी मौजूद है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सेंट्रल लॉकिंग की सहूलत इसके अंदर मौजूद है, और जो ये दोनों दरवाजे हैं ये स्लाइडिंग डोर हैं। अनलॉक करते हैं और एक दरवाज़ा खोल के दिखाते हैं आपको, और ये दरवाज़ा आराम से ऑन अ टच ऑफ अ बटन ये खुल जाता है। लाइकवाइज इसको ऑफ भी करना हो, बंद भी करना हो, तो ये यहाँ से बंद भी हो जाता है। लगे हाँ डिग्गी भी खोल के देखते हैं कि डिग्गी के क्या सीन है। सुभान अल्लाह, और डिग्गी का भी ये सीन है कि ऑटो बूट इसके अंदर मौजूद है, कीलेस एंट्री वाला बटन मौजूद है, चाबी जेब में भी हो और आप ये बटन दबाएं तो आप अंदर बैठ सकते हैं। तो हम अंदर बैठते हैं अब इसके अंदर। फाइनली यहाँ पे आप पाँव रख के इसको पकड़ के इजीली अंदर बैठ सकते हैं, और मैं अंदर आके बैठ गया हूँ। सो द फर्स्ट थिंग जो एक फील अंदर बैठते साथ ही आता है वो ये है कि खूबसूरती के ऊपर खासा फोकस किया गया है। वुडन इंटीरियर यहाँ पे जा रहा है, वुडन इंटीरियर इट्स अ वहे एज वेल, जो कि इसके साथ मैच कर रहा है, इस एरिया के साथ मैच कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये कार देखने में मिलती है। उसके साथ अगर आपने ये हल्का सा सनरूफ पीछे किया हो तो काफ़ी खूबसूरत किस्म की लाइट ऊपर से आती है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द कार। पुश स्टार्ट का बटन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, बिस्मिल्लाह। और एल्फर्ड जो है वो स्टार्ट हो चुका है विदाउट अ साउंड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हाइब्रिड गाड़ी की सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके साथ ये कार जो है वो 1,90,000 चली हुई है, 180 का स्क्वायर मीटर जा रहा है। सिंस 2013 मॉडल है, सेकंड जनरेशन है एल्फर्ड की, तो मीटर थोड़ा सा सादा ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं लग रहा।
स्टीयरिंग व्हील के ऑप्शंस की बात करते चलें, मल्टी मीडिया पावर स्टीयरिंग मौजूद है, ब्लूटूथ कंट्रोल्स मौजूद हैं और क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ यहाँ पे एम्बिएंट लाइट्स की ऑप्शन मौजूद है, पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं, रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स की ऑप्शन मौजूद हैं, पुश स्टार्ट का बटन यहाँ लगा हुआ है और ऑडोमीटर की लाइट को, उसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे सारे विंडोज़ जो हैं वो पावर्ड हैं और विंडो मून रूफ लॉक, यानी कि अगर आप इसको लॉक करेंगे तो पिछले लोग जो हैं वो मून रूफ को भी नहीं खोल पाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स को सेट करने की ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। सेफ्टी फीचर्स की बात करते चलें तो इसमें 7 एयरबैग्स मौजूद हैं, 2 हैं सामने ड्राइवर के सामने और एक पैसेंजर के सामने, ड्राइवर के घुटनों के पास एक एयरबैग मौजूद है, 2 हैं सीट्स के अंदर और 2 हैं जनाब साइड पिलर्स के अंदर। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद है, रिवर्स गियर लगा के देखते हैं तो उस जमाने में 360 व्यू कैमरा शायद इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था या इतना कॉमन नहीं था। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले में ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल एसी की सहूलत मौजूद है, यानी कि ड्राइवर जो है वो अपना टेम्परेचर अलग कंट्रोल कर सकता है और जो पैसेंजर है और जो रेयर पे लोग बैठे हैं यानी कि जो लोग पीछे बैठे हैं उनका टेम्परेचर अलग से यहाँ से कंट्रोल हो सकता है। टेम्परेचर कंट्रोल करने की सहूलत पीछे भी मौजूद है, वो पीछे जाके हम आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। उसके साथ यहाँ पे फ्रंट एंड रेयर डिफ्रॉस्ट की सहूलत अलग मौजूद है यहाँ पे। उसके नीचे यहाँ पे हमारे पास गेयर बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पे जो है आप गंद वगैरह फेंक सकते हैं। उसके साथ इधर आते चलें तो यहाँ पे हीटेड सीट्स की ऑप्शन मौजूद हैं, बोथ फॉर द ड्राइवर एंड द पैसेंजर, इकोनॉमी मोड मौजूद है, ईवी मोड मौजूद है। सिंस फीचर्स की बात हो रही थी तो सोचा कि पीछे आके पिछले लोगों का भी आपको एसी वगैरह का सिस्टम दिखा दें। तो यहाँ पे पिछले लोग जो हैं अपना टेम्परेचर अलग से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे रूम की लाइट्स ऑन ऑफ करने की ऑप्शन मौजूद है और आप सनरूफ भी जो है यहाँ से खोल सकते हैं, ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन ये पूरा सनरूफ खुल जाता है। वादे करते चलें जो अगला सनरूफ है वो पूरा नहीं खुलता, जो ये वाला सनरूफ है ये आप हल्का सा बटन दबाते हैं ऐसे करके तो ये ऊपर उठ जाता है, इतना सा खुलता है, ये पूरा आगे पीछे नहीं होता। हाइब्रिड की बात आए और हम फ्यूल एवरेज की बात ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये 2400 सीसी हाइब्रिड है और ये पूरा एक जिन है। इसको चलाने के साथ एक अलग ही एक फीलर आता है, बिल्कुल भी अंडर पावर्ड महसूस नहीं होती एज़ कम्पेयर टू जो बॉडी इसकी है और गोली की तरह ये कार भागती है। 2400 सीसी हाइब्रिड है और ये फ्यूल एवरेज शहर के अंदर देती है जो कि है 10 से 11 किलोमीटर पर लीटर शहर के अंदर, और लॉन्ग रूट पे भी इसकी यही फ्यूल एवरेज रहती है, तकरीबन 10-12 ही इसकी फ्यूल एवरेज रहती है। एल्फर्ट में बैठते हुए कंफर्ट की बात करना मेरे ख्याल तक थोड़ी सी ज्यादती वाली बात है, मगर हम फिर भी करेंगे। बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी, ठीक है जनाब। आगे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे एक बहुत भरा आर्मरेस्ट यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी मैं हाथ इजीली रख सकता हूँ। उसके साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मौजूद हैं, आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है, और रिक्लाइनर को भी हल्का सा लिटा सकते हैं और आगे कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि इलेक्ट्रिक सीट्स मौजूद हैं, इसके अंदर मेमोरी सीट्स भी मौजूद हैं, यानी कि अगर इसमें मल्टीपल ड्राइवर्स बैठे हैं तो वह बैठ के सिर्फ 1 दबाएं या 2 दबाएं जो भी उनकी सीट हो तो ये सीट खुद ब खुद उस लिहाज से एडजस्ट हो जाएगी। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, अगर स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं। सो इट्स अ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, ऊपर नीचे आगे पीछे हर चीज़ ये होती है। और उसके साथ साथ हीटेड सीट्स तो इसमें मौजूद हैं ही हैं, ड्राइवर के लिए भी मौजूद है और पैसेंजर के लिए भी मौजूद है। और हेडरूम की तो मैं बात करूँगा नहीं क्योंकि इट्स अ वेरी टॉल कार, तो हर लिहाज से 10/10 है। पीछे चल के देखते हैं कि पिछली सीट्स का क्या सीन है। और पिछली सेकंड रो पे जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जो पैसेंजर की सीट है उसके अंदर भी ये वाली फैसिलिटी मौजूद है कि आप टांगें जो हैं वो आप ऊपर कर सकते हैं। और लाइक वाइज अगर पिछले लोग जो पीछे बैठे हैं वो इस सीट को आगे पीछे करना चाहते हैं कि आगे कोई ना बैठा हो और वो इस सीट को छेड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बटन लगा हुआ है कि वो अपने लिहाज से इस सीट को आगे या पीछे मूव कर लें जैसा उनका दिल चाहे। तो अभी हम देखने लगे हैं सेकंड रो का कंफर्ट, विच इज़ लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये सेकंड रो की सीट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं ऐसे हैं ये, ठीक है। यहीं से दिखाते चलें, यहाँ पे 2 बटन्स मौजूद हैं, इनको आप यहाँ से लिटा सकते हैं
ऊपर कर सकते हैं अगर आप लेटना चाहें। और जो ये पिछली सीट्स हैं ये लिटरली भाईजान लेट जाती हैं, मतलब ये गिर ही जाती हैं। अभी मैं आपको इस पर लेट के दिखाता हूँ। और राइट, तो अभी मैं आके यहाँ पे बैठा हूँ। इस सीट को मैं हल्का सा पीछे करता हूँ, ये पाँव वाले एरिया को, ताकि लेट के चेक करें जनाब कैसा फील आता है। ऑल राइट, तो लेटने के बाद ओहो भाईजान, घर के जो गद्दे हैं उनसे नरम ये गद्दा है और बहुत ही आला है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे लेटने के बाद। कंफर्टेबली बैठा हूँ और दिल चाह रहा है कि भाईजान सो जाएं यहाँ पे, मज़ा आ गया। वही कंफर्टेबल, एक फीलर आप लोगों को आ चुका होगा कि कितने कंफर्टेबल ये सीट्स यहाँ पे हमारे पास लगी हुई हैं। उसके साथ जो एक और बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर पाँव वाला जो एरिया है, अगर इसको मैं आगे पीछे नहीं करना चाहता, इसको मैं उठा के यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, और आप देख सकते हैं ये ऐसे करके नीचे जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको नहीं उठाना चाहता तो मैं आराम से पाँव यहाँ पे ऐसे करके बैठ सकता हूँ। यानी कंफर्ट जो है वो इन्होंने नेक्स्ट लेवल पर रखा हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही हो। एक तो ये चीज़ तो ऊपर उठती ही उठती है, आप उसको भी नीचे कर सकते हो। ये चीज़ उठती है तो नीचे से लेटने में आपको कंफर्टेबल है, और अगर आप बैठे हैं और आप हल्का सा पाँव ऊपर रख के बैठना चाहते हैं तो वो चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल है। ग्लास होल्डर्स की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है, इधर भी मौजूद है, यहाँ पे एक बॉटल वगैरह रख सकते हैं, छोटी मोटी फाइल रखने का एरिया यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, एक बात वादे करते चलें, इसको आगे करने के लिए इलेक्ट्रिकल है, इसको सीट के पीछे करने के लिए भी इलेक्ट्रिक सीट्स मौजूद हैं, मगर अगर आपने ओवरऑल सीट्स को आगे पीछे करना है तो उसके लिए ये लिवर मौजूद है। खैर, एनी हाउ पीछे चल के देखते हैं थर्ड रो में कि थर्ड रो के कम्फर्ट में इन्होंने क्या एक्स्ट्रा ला हुआ है। अच्छा जी, सबसे लास्ट रो में आके बैठा हूँ मैं, और अगर मैं सेकंड रो को आगे पीछे करना चाहता हूँ तो ये लिवर खींच के मैं इसको आगे या पीछे कर सकता हूँ। इस लिवर को पुल किया तो हमें सीट को हल्का सा आगे पीछे सेकंड रो के साथ मस्तियाँ कर सकते हैं। एंड लाइकवाइज जो लास्ट रो में मैं आके बैठा हूँ, एक छोटा सा लिवर यहाँ पे मौजूद है, ये वाला लिवर, ये इसको मैं अगर खींचता हूँ तो मैं हल्का सा यहाँ पे लास्ट रो में लेट भी सकता हूँ। और यहाँ पे आखिर में हमारे पास मौजूद है 50-50 का स्प्लिट, जो बीच में बंदा बैठेगा उसको दोनों भाइयों के साथ मिल के इत्तेफाकन सीट आगे पीछे करनी पड़ेगी। अगर आखिर में दो लोग बैठे हों तो 50-50 का स्प्लिट मौजूद है। लाइकवाइज अगर दो लोग बैठे हों तो फोल्ड डाउन आर्मरेस्ट भी यहाँ पर मौजूद है, अगर इसको 6 सीटर कार बना के आप चलते हैं तो। और लास्ट रो में बैठने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो बॉटल रखने की सहूलत मौजूद है, छोटा सा एरिया खाली यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी सामान रखा जा सकता है, एंड लाइकवाइज वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें रखने की चीज़ें सहूलत मौजूद है। ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ द बूट स्पेस एक्चुअली लुक्स लाइक। और यहाँ पे आप इस पूरी सीट को ऊपर कर सकते हैं। ये सीट को मैं आपको मुकम्मल तौर पे करके दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये छोटा सा लिवर है, इसको दबाना है, यहाँ पे वो लिवर मौजूद है, ये वाला, ये नीचे गिर गया, छोटा सा लिवर यहाँ पे मौजूद है, इसको दबाना है आपने, ठीक है। और जो ही ये उठ जाता है उसके साथ आपने इसको खोलना है यहाँ से, और ये वाला स्विच जो है आपने इसको यहाँ पर लगा देना है, और उसके साथ ये पूरा एरिया आपके पास खाली हो जाता है, और यहाँ पे आप अपना ढेर सारा सामान वगैरह इजीली रख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो फॉर अ लिटिल ड्राइव। वैसे तो ड्राइव भाईजान इसकी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, वेरी कंफर्टेबल ड्राइव। ऑल्दो ये एक जहाज जैसी फीलिंग आपको लाजमी देता है, मगर बिलीव यू मी, इसको ड्राइव करना, इसको ऑपरेट करना इज़ वेरी वेरी सिंपल। इट्स जस्ट लाइक अ रेगुलर कार विद अनबिलीवेबल स्टेबिलिटी, अनबिलीवेबल कंफर्ट। सो द ड्राइव एंड द हैंडलिंग इज़ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। अभी मैंने 2-3 स्पीड ब्रेकर्स क्रॉस किए हैं, बहुत ही आराम से नरम तरीके से ये कार जो है वो चली है। और फिर डेफिनेटली टोयोटा की हाइब्रिड है,
कंफर्टेबल तो है ही है। ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड गाड़ियों में जो टोयोटा की होती हैं उनमें एट टाइम्स ABS या बैटरीज के इश्यूज आ जाते हैं, मगर इट्स अ रेगुलर ऑक्रेंस ऑन एवरी हाइब्रिड कार, लेट अलोन हम अगर इस गाड़ी को सिंगल आउट करें। 2400 cc है तो इसकी पिक भी बहुत आला है, हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है, और कंफर्ट की जो तारीफों के पुल हैं वो मैं पहले से बांध चुका हूँ। हर लिहाज से गाड़ी जो है इट्स अ कंप्लीट कार। अगर हम इस चीज़ की बात करते चलें कि ये खड्डों वगैरह में कैसी है, तो वाजे करता चलें जो जैपनीज़ कार्स होती हैं उनको वैसे भी आप बहुत ज़्यादा रफ तरीके से नहीं चला सकते, उनको प्यार मोहब्बत से चलाना चाहिए, अच्छी रोड्स के ऊपर चलाना चाहिए, तभी ना सिर्फ वो एक ज़्यादा देर तक चलती हैं, उनकी सस्पेंशन भी जो है वो ज़्यादा देर तक आपका साथ निभाती हैं। जैसे कि कार 1,90,000 चल चुकी है मगर बहुत अच्छी चली हुई है, कार के किसी भी एरिया से वेयर एंड टेयर इतना ज़्यादा आपको फील नहीं होता। और जैसे कि बताया 2400 cc है, हल्का सा बगाऊँ तो ये इतना बड़ा जहाज़ होते हुए इसकी पिक जो है बहुत आला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।